टाइम पर टैक्सी ना मिलने की प्रॉब्लम को उबर ने सॉल्व किया, दोस्तों से डिस्कनेक्टेड रहने की प्रॉब्लम को फेसबुक ने सॉल्व किया, और कंपनीज एंड कैंडिडेट्स के बीच की दूरी को हटाने की प्रॉब्लम नौकरी.com ने सॉल्व की। हम सब लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना तो करते ही रहते हैं। कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स को स्मार्टली टैकल करते हैं और कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते जाते हैं। और क्यों इग्नोर ना करें भाई, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने मैथ्स और साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो सिखाया, बट लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है किसी ने नहीं सिखाया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मनुष्य में बात करेंगे कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ और अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। हे मनुष्य, आप सबका स्वागत है द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यूट्यूब चैनल मनुष्य में। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप अपने आप को या अपने बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट की राह पे चलाना चाहते हैं, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल मनुष्य। आज है वीक 6 ऑफ 1000 आवर लर्निंग मैराथन और हमने स्पेंड किए हैं 42 आवर्स एंड 50 मिनट्स इन लर्निंग। हैव अ लुक। According to the World Economic Forum, problem solving skills वो skill है which is highly recommended in the coming time. Let's first understand what is problem solving skill. जब भी हम problem solving skill की बात करते हैं, हम उस ability की बात करते हैं जो हमें हमारे कार्यस्थल पर अचानक उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों को संभालने की समझ प्रदान करती है। Problem solving skill हमारे शोषण relationship में होने वाली आपसी मुठभेड़ को सुलझाने में और हर तरीके के डिसीजन लेने की प्रतिक्रिया में हेल्प करती है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब अपनी लाइफ में डेली कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं विच नीड टू बी सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। आप शायद अपनी कंपनी को लॉस से बचाना चाहते हैं, आप शायद अपनी जॉब बचाना चाहते हैं, या फिर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहते हैं और सिंपली अपनी सोशल रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं। इन सभी केसेस में वी विल रिक्वायर एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट स्मार्टली। हाउ टू बिकम ए मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर। वेल, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला तो नहीं देने वाला, ना ही कोई मैजिक स्टिक्स थमाने वाला हूं जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मास्टर बन जाए। लेकिन हाँ, देर आर फ्यू टिप्स इफ यू विल प्रैक्टिस then you can improve your problem solving quotient. Number one, understand the why first. जब भी हम किसी problem में होते हैं, we look around to blame someone because of whom the problem may have been arise. हम खुद से assumptions बना लेते हैं about what would have been went wrong. दोस्तों, ज्यादातर cases में हम one-sided stories को जानकर किसी को भी उस situation के लिए blame कर देते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना that blaming से किसी problem को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलती। Instead of blaming someone by making false assumptions, we must try to get to the reason why the problem arises in the first place. Listen and understand the voices of the people associated with that task. सिर्फ एक इंसान के बयान से decision लेना ज्यादातर cases में गलत होता है। इसलिए हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय लेनी पड़ेगी उस problem के पहलू को समझने के लिए। इस technique को RCA यानी root cause analysis कहते हैं, जिसे आप में से काफी लोग relate भी कर सकते हैं। पैनिक होने से बेटर है वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रॉब्लम केम इनटू बीइंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए टीम में काम करते हैं, देन देयर इज अ चांस दैट सभी टीम मेंबर सेम टाइप के एफर्ट्स और एनर्जी से पार्टिसिपेट ना करें एज कंपेयर टू द अदर टीम मेंबर। दिस विल लीड टू इंटरनल क्लैशेस। हेंस एज अ टीम लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच टीम मेंबर अलॉन्ग विद द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क। बोनस टिप, practice being patient and controlling your emotions to avoid making impulsive decision. Number 2, after understanding why, move to the what. Problem hamesha easy nikle ye zaruri nahi hai. We may face a problem in which we are not knowledgeable about the topic. Jab bhi hamari problem thodi complex ho, try consulting with the right people. Zaruri nahi hai har problem ka solution aap khud se hi nikale. Hame bahut hi careful hona padega that the person jisse hum advice le rahe hain, they are reliable and they possess the technical knowledge about the respective subject. अगर हम खुद से ही प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सक्षम हैं,
तो हम उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर हाउ अदर पीपल रिजॉल्व द सेम प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली माई वीडियोज वर नॉट विजिबल इन द सर्च रिजल्ट, हेंस वी टुक सजेशन फ्रॉम द पीपल जिन्हें यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज था टू हेल्प अस टू बी विजिबल इन दिस इंफॉर्मेशन क्राउडेड वर्ल्ड. बोनस टिप, कंसल्टिंग विद द रिलायबल एंड नॉलेजेबल सोर्स विल ऑलवेज सेव योर टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली. स्टेप 3, लीव योर इमोशन असाइड. इंसान सबसे ज्यादा गलतियां तब करता है जब वो अपनी भावनाओं में बहकर अपने तर्क यानी अपनी लॉजिक को नजरअंदाज करने लगता है. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान अपनी भावनाओं यानी अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना अनिवार्य है. एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वी ट्राई टू हायर कैंडिडेट्स जिन्हें हमें मैनेज ना करना पड़े, डेट इज दे मस्ट बी सेल्फ इनिशिएटिव एंड सेल्फ मैनेजेबल. बट कुछ समय बाद हमें पता चलता है दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. देन लॉजिक ये कहता है टू फायर दैट पर्सन हु इज नॉट फिट फॉर योर बिजनेस. बट कभी कभी बिकॉज उस कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया था और हमारे इमोशंस उससे जुड़े हैं, वी ट्राई टू गिव हिम चांसेस आफ्टर चांसेस टिल वन बिग प्रॉब्लम हिट आवर कंपनी. सो फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज समटाइम्स गुड फॉर अस एंड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो. बोनस टिप, प्रैक्टिस कंट्रोलिंग योर इमोशंस, इट वोंट कम इन अ डे. नंबर 4, परसिस्ट एंड परसिवियर. किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए वी नीड पेशेंस एंड परसिस्टेंस. लाइफ में काफी बार ऐसे मौके आएंगे जब हम गलत डिसीजन लेंगे. लॉजिक ये कहता है टू एक्सेप्ट दैट वी मेड अ मिस्टेक एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट सो दैट वी कैन मेक राइट डिसीजन व्हेन समथिंग सिमिलर अपीयर इन द फ्यूचर. इसी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की वजह से कुछ लीडर्स ग्रेट लीडर्स कहलाते हैं. बोनस टिप, एक्सेप्ट द गुड एंड द बैड दैट कम्स अलॉन्ग विद द डिसीजन यू मेक एंड सून बिकम द मास्टर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वी cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. अर्थात हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते जब हमने उन्हें बनाया था. हमें अपने आप को समय देना होगा उस परिस्थिति को समझने के लिए. हमें उन सभी विकल्पों की मदद लेनी पड़ेगी जो हमें सही डिसीजन लेने में मदद करें. हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठ के ये समझना पड़ेगा that in life there is no such thing like failure. There are only learnings. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में निपुण होने के लिए कुछ और स्किल्स भी है जिन्हें हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे. वी रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस स्किल विच विल हेल्प यू टू बिकम अ मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज. आज का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है देन सब्सक्राइब आवर चैनल मनुष्य एंड प्रेस द बेल आइकन. ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरत है. मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहां मनुष्य करेगा आपकी प्रॉब्लम आसान. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी. जय हिंद.